हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू फूड प्रोडक्शन। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट बॉल्स। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट और चलते हैं अपने किचन की ओर। तो चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम बिस्किट्स। तो मैंने दो पैकेट बिस्किट लिए हैं, एक लिया है मैंने प्लेन और एक लिया है मैंने चॉकलेट फ्लेवर का, 10-10 रुपए वाले पैकेट। और इनको करेंगे हम सबसे पहले ग्राइंड। तो लीजिए, हो चुका है हमारा अच्छे से ही ग्राइंड। और अब करते हैं हम आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे चॉकलेट को मेल्ट। तो मैंने लिए है ये चॉकलेट कंपाउंड, ये आपको किसी भी बेकरी में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें भी अच्छे ब्रांडेड कंपनी के भी आते हैं और लोकल कंपनी के भी आपको मिल सकते हैं। तो इसको करेंगे हम सबसे पहले मेल्ट। तो मेल्ट करने के लिए भी हम इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको गैस में भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे इसको गैस में मेल्ट। तो अब करते हैं हम इसको मेल्ट। तो मेल्ट करने के लिए मैंने लिया है एक बर्तन में कम से कम आधा कप पानी। इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल होने के बाद हम रखेंगे इसके ऊपर ये चॉकलेट ऐसे किसी दूसरे बड़े बर्तन में। अब बर्तन ऐसा होना चाहिए जो कि इसके अंदर पूरा ना घुसे और पानी इसके तले में टच ना हो। तो इसको हम रख देंगे इस तरह से इसके ऊपर। इसके भाप से ये पिघलना शुरू होगा। तो देख सकते हैं हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है। इसको इसी तरह से हम मेल्ट होने देंगे हल्की फ्लेम में और बीच बीच में हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो हमारी पूरी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और अब हम कर देंगे गैस को बंद और इस बर्तन को हम इसी गर्म पानी के ऊपर ही हम ऐसे रख देंगे, जिससे जब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं तब तक ये कहीं जम ना जाए। क्योंकि अगर आपको हल्के से हटा दोगे पानी के भाप के ऊपर से तो एकदम से ये थोड़ी देर बाद जमनी शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको हम रखेंगे इसी के ऊपर। तब तक करते हैं हम अब आगे का प्रोसेस। अब हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो हमने जो ये ग्राइंड किया था ये बिस्किट्स, इसमें हम कुछ और भी ऐड करेंगे। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने रफली ग्राइंड कर लिया है। तो ये इसकी छोटे छोटे पीसेस भी इसमें हमको मिलेंगे बॉल्स के अंदर। तो ये मैंने इसमें लिया है बादाम, किशमिश और काजू। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसको हम हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने चॉकलेट मेल्ट करी थी, इसको हल्के से गूंदने के लिए। तो सबसे पहले एक चम्मच डालते हैं और इसको हम मिला के देखते हैं। अगर हाथ से मिलाएं तो अच्छे से मिक्स होगा। एक चम्मच और डाल लेंगे। अपने हिसाब से आपको इसको डालना है ये देखने के लिए कि आपका कितने चम्मच में ये तैयार होता है इसका मिक्सचर गोले बनाने के लिए। तो हल्का हल्का ये टाइट होना लग गया है। तो इसका मतलब हमारे गोले इतने 3 या 4 चम्मच से हमारे ये गोले तैयार हो सकते हैं। तो लास्ट एक चम्मच और डाल लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा ये गोले बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे कर रहे हैं तो ये गोला बन रहा है। तो ये हो चुका है हमारा तैयार और अब बनाते हैं हम इसके बॉल्स। तो बॉल्स बनाने से पहले सबसे पहले हम लेंगे एक
बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप एक A4 शीट ले ले और उसके ऊपर करेंगे हम बटर से कोटिंग इस तरह से। पूरे पेपर में इस तरह से हम इसको कोट कर लेंगे। तो लीजिए हमारा बटर पेपर भी हो चुका है रेडी। बटर पेपर लगाने से यह हुआ कि हमारे जो बॉल्स हम बना के रखेंगे इसमें वो नीचे से चिपकेंगे नहीं। तो बनाना शुरू करते हैं हम इसके बॉल्स। तो मीडियम साइज हम इसमें रखेंगे, ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा बड़े करेंगे। तो इसका शेप हम बिल्कुल गोल रखेंगे। तो लीजिए हो चुका है हमारा ये बॉल तैयार। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स हम रेडी करेंगे। तो हमारे सारे ये बॉल्स तैयार हो चुकी हैं और अब हम करेंगे आगे का स्टेप। जो हमने ये चॉकलेट मेल्ट करी थी, इस मेल्टेड चॉकलेट में हम इसको डिप करेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर पूरा अच्छे से कोट करके इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो सारा प्रोसेस हमको इसी तरह से करना है। तो लीजिए हो चुके हैं हमारे ये सारी बॉल्स कोटेड अच्छे से और इसको थोड़ी देर हम ऐसे रखेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा करेंगे डेकोरेट। तो ये अच्छे से हार्ड हो चुके हैं और अब करते हैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट। डेकोरेशन के लिए हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं चॉकलेट सिरप। इस तरह से हम पूरा इसमें सिरप की बारिश कर देंगे। वाह, देखने में इतना बढ़िया लग रहा है। तो लीजिए सारे बॉल्स के ऊपर हमने इसको अच्छे से लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर से करेंगे कोटेड सौंफ की बारिश। तो है ना बढ़िया। तो लीजिए कर दी है हमने अच्छे से इसके ऊपर बारिश और हमारा तो लीजिए हो चुका है हमारा चॉकलेट बॉल्स तैयार। और आप भी अपने घर में बनाइए और इस क्रिसमस में आप भी अपने फ्रेंड्स को और फैमिली वालों को खिलाइए। और इसी के साथ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।